हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। घोटाने समय एक बार फिर से पहुंचे हैं सरस्वती कॉलेज में, पलवल का सबसे बड़ा लड़कियों का कॉलेज है। क्या मूड है इस बार 12 मई को जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, 12 मई को जो मतदान होना है, क्या मिजाज है? हम जब पहुंचे तो बारिश शुरू हो चुकी थी, मौसम के बदले मिजाज के साथ साथ हम लड़कियों का भी मिजाज पता करेंगे, क्या मिजाज है इस बार उनका? बेटे आपका नाम? काजल कुंडू जी, 12 मई को जो मतदान होना है, पहले तो ये बताइए कि आपको वोट बनाया या नहीं बनाया? अभी तक तो नहीं बनाया। अच्छा, नहीं बनाया। अगर बनता तो आप किसको वोट करते? अगर बनेगा तो मैं मोदी को ही वोट दूंगी, क्योंकि मोदी ने 5 साल में जो किया वो राहुल गांधी नहीं कर सकते, उन्होंने देश का विकास किया है। जो पसंद है मोदी आपको? सर, डेवलपमेंट, उन्होंने बहुत सारी देश को, मतलब बहुत सारी कंट्रियों में देश को सबसे आगे किया है। मिस कुंडू ने कहा कि देश को डेवलपमेंट जो दिया है मोदी ने दिया है। आपका नाम? धीरे जी, 12 मई को जो मतदान है, कि अगर आपका वोट है तो आप क्या किस पार्टी को करेंगे? अभी तो नहीं है, पर क्योंकि मोदी है जो, उसने हमारे देश की इतनी उन्नति करी है, अलग अलग देशों में अलग अलग देश का विकास किया, उसने जो हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति महिला, उसके लिए इतने सारे संविधान लागू किए हैं, उसके लिए हमारी, मतलब अगर और आगे बढ़ेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप पीछे कहीं आप आगे आइएगा। हाँ, आपका वोट है क्या? जी नहीं। वो लगता है हम जब कॉलेज गए हैं तो किसी का भी वोट नहीं बना। वोट क्यों नहीं बना आपका? चलिए, एज नहीं है। अगर आपकी एज होती, मतदान करने की होती 12 मई को, तो किस पार्टी को आप करते? अच्छा, आप भी मोदी की फैन है? और किसी पार्टी में इतना दमी नहीं है, वो अपने से आगे देश को रखता है, और यही एक अच्छी सरकार की पहचान है। इस कॉलेज की छात्रा ने बताया कि जो कर सकते हैं मोदी कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। चलो, भावनाएं की चर्चा करते हैं। आपका बेटा नाम? पूजा डागर जी, 12 मई को जब मतदान होना है, किस पार्टी के पक्ष में हवा है? अच्छा, आप भी मोदी की फैन है? मोदी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्योंकि उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया है, नए नए कॉलेजों का निर्माण कराया है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ उनकी वजह से, तो इसीलिए। आपका नाम? मोनिका। 12 मई को जो मतदान होना है, पता तो होगा आपको किस पार्टी को वोट देना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्योंकि जो उन्होंने 5 साल में किया है ना, कांग्रेस सरकार ने, लगभग उनकी सरकार 25 साल रही थी, उन्होंने आज तक नहीं किया जो मोदी जी ने 5 साल में कर दिया है। यहाँ की अब तक जितने भी स्टूडेंट्स हमें बातचीत करने का मौका अवसर मिला है, तकरीबन ने मोदी का है। कांग्रेस का है कोई यहाँ पर? कांग्रेस की फैन? आपका नाम? रितु। मोदी क्यों पसंद है आपको? मोदी ने हमारे देश में बहुत सा डेवलपमेंट किया, उसने आपने देखा जो उसने 5 साल में जो सरकार ने काला था छुपा हुआ था, उसने काला भी हमारे देश में आक्रमण हुआ था, उसने बहुत सहायता की है हमारी, इसलिए मोदी को ही वोट देना चाहिए और सबको ही वोट किया। अभी तक जितनी भी लड़कियों से बात की है, सभी ने कहा है कि मोदी पसंद है। कांग्रेस का नाम लेवा भी स्टूडेंट में नहीं है। आपका नाम? आपको कौन पसंद है, मोदी या राहुल? मोदी। आपको भी मोदी पसंद है। मोदी की किन नीतियों से आप प्रभावित हैं? क्योंकि जो महिलाओं के लिए उन्होंने अब तक किया है, पहले आज तक कभी नहीं हुआ था, जो हमें फ्रीडम मिल पाई है वो पहले नहीं थी, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन ये फैसिलिटी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब महिला सिर उठा के जीती है अपनी जिंदगी, अपनी जिंदगी में वो अपने फैसले खुद कर सकती हैं, लेकिन पहले ऐसा लाड़ नहीं होता था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने दिया, क्या आप भी मोदी के से प्रभावित हैं? जी हाँ, बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी जो देश की स्थिति है वो नेशनल लेवल से उठाकर इंटरनेशनल लेवल तक किया, जो हमारे इकोनॉमिक थी जो पहले बहुत पीछे थी, आज वो छठे स्थान पर है, और जिस देश ने हमारे ऊपर शासन किया और कई वर्षों तक किया, यानी कि ब्रिटिश, आज उनको बस एक पायदान पीछे है, और उनको भी थोड़े दिन में उसे हम क्रॉस कर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इन 5 सालों में हमने कितना डेवलपमेंट किया। आपको राहुल पसंद है या मोदी पसंद है? मोदी। आपको भी मोदी पसंद है? किन मोदी से आप किस नीतियों से प्रभावित हैं? सर, जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया ना, जो 5 साल में किया, सबसे पहली बात उन्होंने महंगाई पर नियंत्रण किया है, और आजकल हर किसी के जो गरीब से गरीब घर में, उनके घर में दाल चीनी जो
और कोई बच्चा बोलना चाहे, स्टूडेंट बोलना चाहे? हाँ जी, आप बोलना चाहेंगे? चलिए आप, चलिए चलो। हाँ जी, आपका नाम? संगीता भड़ाना जी। 12 मई को जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, आप सुनते हैं, किस पार्टी को वोट मिलना चाहिए? मोदी को मिलना चाहिए। किसने मिलना चाहिए? एयर स्ट्राइक के बारे में कौन कौन जानते हैं? एयर स्ट्राइक के बारे में कोई जानता? एयर स्ट्राइक के बारे में अभी हाल ही में पुलवामा कांड हुआ, उसके बाद आप बताओ। नहीं, कोई पता? चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, आप बताएंगे? जो अभी हमारे देश में एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें मतलब हमारे देश ने बहुत बड़ी उन्नति हासिल करी है। जो देश के सैनिकों ने प्रूव कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है, और हमारा देश मतलब सुरक्षा के मामले में सबसे आगे है। और ये सब कुछ हुआ है मोदी की वजह से। और जो लोग सबूत मांग रहे हैं ना, पहले उन्हें ये सबूत देना चाहिए कि वो हमारे देश के ही हैं क्या, और क्या वो देश के नागरिक हैं? तो इसीलिए तब वो सबूत मांगे, अगर वो देश के नागरिक हैं तो इसलिए उन्हें सबूत मांगने का कोई हक नहीं है। तो ये थे हमारे बीच में सरस्वती कॉलेज की स्टूडेंट्स, जिन्होंने कहा कि 12 मई को उनका वोट नहीं भी है तो भी वोट अगर होता तो मतदान करते हम मोदी के पक्ष में। जाहिर सी बात है कि सभी ने मोदी के पक्ष में अपना मतदान दिया है। कांग्रेस के प्रति अभी किसी स्टूडेंट ने हमें अपनी राय नहीं दी थी। मैं सदीप भूटानी इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।